हेलो दोस्तों, मेरा नाम मानशु कुमार है। आप देख रहे हैं भारत मोबिलिटी और बहुत बहुत स्वागत है आपका दोबारा। और हम आ गए हैं महिंद्रा के शोरूम पे। ये देखो महिंद्रा को पीछे लोगो है, महिंद्रा का शोरूम है यहाँ पर। और हम यहाँ पर हैं झंडे वाला के पास और मेट्रो स्टेशन से बहुत पास है। और यहाँ पर आप बहुत दिनों से कह रहे थे कि महिंद्रा की ई रिक्शा बताओ, महिंद्रा का ई रिक्शा दिखाओ, तो आज हम महिंद्रा का ई रिक्शा दिखाने वाले हैं। महिंद्रा अपने आप में एक ब्रांड है, तो चलिए चलते हैं। उसकी पूरी वीडियो देख के ज़रूर जाना। दोस्तों ये हमारे साथ धीरज सर हैं, ये सेल्स टीम से हैं। और ये हमें बताएंगे कि महिंद्रा का जो ये ई रिक्शा है ई अल्फा मिनी, ये किस मायनों में खास है और क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं जो इस ई रिक्शे में बाकी रिक्शे। हालांकि आपको पता है महिंद्रा तो अपना नाम ही काफ़ी है। और सर बहुत बहुत शुक्रिया हमारे चैनल में आने के लिए। तो सर ये बताइए कि आपके क्या खास है, क्या बढ़िया है बाकी। बताता हूँ सर, ये हमारे महिंद्रा ई अल्फा मिनी हॉट सेलिंग ई रिक्शा कैटेगरी के अंदर सबसे बेस्ट हमारा टॉप सेलिंग प्रोडक्ट है। अच्छा, बेसिकली ये हमारा जो कस्टमर्स अपनी अर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से परचेज करना चाहते हैं तो उनके लिए बेस्ट प्रोडक्ट है हमारा महिंद्रा का बेस्ट प्रोडक्ट, जो अंडर बजट और मिनिमम डाउन पेमेंट के अंदर गाड़ी आती है। तो प्राइस जो इसका है वो हम इसको एंड में बताएंगे। प्राइसेस मैं आपको बाद में बताऊंगा, सबसे पहले आपको गाड़ी की टेक्निकल स्पेसिफिकेशन बता देता हूँ। देखिए सर, फ्रंट में अगर आप देखेंगे हमारी गाड़ी को तो फ्रंट में आपको सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से महिंद्रा कंप्लीट एक वाइडर विंडशील्ड देते हैं ताकि अगर ड्राइवर अगर अंदर भी बैठे हैं तो उनको पूरा रोड की विजिबिलिटी क्लियर रहे। बिल्कुल ठीक है। साथ में आपको जो हैलोजन हेडलाइट्स लैंप थी गाड़ी, हैलोजन लाइट यहाँ पे मिल रहा है। इसके अंदर आपको गाड़ी की जो इल्यूमिनेशन है इसकी गाड़ी की काफ़ी हायर है, मतलब कि अगर अंधेरे में भी गाड़ी को ड्राइव कर रहे हैं तब भी आप सेफ्टी इसको ड्राइव कर सकते हैं। बिल्कुल, इंडिकेटर साथ में ही यहाँ पे गाड़ी के दे रखे हैं। अच्छा देखिए, अब जो नॉर्मल रिक्शा में क्या होता है कि बिल्कुल सामने सा होता है तो इस एरिया से आपको हर जगह से प्रोटेक्शन फील नहीं होता, लेकिन यहाँ पर इसमें बैठने के बाद आपको बहुत ही कंफर्टेबल फील होगा और सेफ्टी पर्पज से भी बहुत सेफ्टी पॉइंट से कंप्लीट आपको प्रोटेक्शन के लिए साथ गाड़ी दी जाती है। दी जाती है बिल्कुल। तो नीचे देख लेते हैं एक बार, यहाँ पे इसको जो टायर हैं आपके यहाँ पे सस्पेंशन आपको सस्पेंशन देखिए काफी अच्छा, ताकि ड्राइवर को भी कंफर्ट रहे, साथ में जो पैसेंजर्स पीछे बैठे हैं उनके लिए भी कंफर्टेबल फ्री रहती है, क्योंकि इंडिया में बहुत गड्ढे बहुत ज्यादा है तो उसमें अब ये रिक्शा चलने वाला है। अब यदि इसका शॉकर जो है वो नॉर्मल नहीं है, बहुत बढ़िया शॉकर है और अच्छी खासी सस्पेंशन के साथ यहाँ पे पूरे मोटी टायर यहाँ पे दे रखे हैं। चलिए अब अंदर चलते हैं, यहाँ पे ड्राइविंग सीट पे हम आ जाते हैं। तो यहाँ ड्राइविंग सीट पे आप देखिए, देखिए सर सबसे पहले मैं आपको ड्राइविंग कपड़े का दिखाता हूँ। ये देखिए कंफर्ट, बिल्कुल भैया की अच्छी खासी हाइट है और मतलब इनका पैर बिल्कुल नहीं है ऊपर, ऊपर हाइट भी अच्छी खासी है, हेडरूम भी अच्छा है गाड़ी के अंदर, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर। नॉर्मली अपना इग्निशन ऑन करते हैं हमारी मल्टी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले ऑन हो जाती है, मल्टी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले है। और यहाँ पे स्पीडोमीटर दे रखा है, कितना बैटरी है सब दे रखा है, सब कुछ शो करेगा। 52 वोल्ट्स अभी मेरी बैटरी अवेलेबल है ठीक है। ये हमारी ऑडोमीटर का हो गया, देन हमारा ट्रिप मीटर वगैरह, और ये हमारा स्टेट ऑफ चार्ज की मतलब कितना परसेंट चार्ज, कितना परसेंट चार्ज है। साथ के साथ आप इंडिकेटर अगर देखेंगे तो हमारे दो मोड्स दे रखे हैं, फॉरवर्ड और रिवर्स ठीक है सर। फॉरवर्ड आप करेंगे फॉरवर्ड एंड रिवर्स का हमारा ये होगा रिवर्स ठीक है। तीन ड्राइविंग मोड्स देते हैं, लो मीडियम एंड हाई। तो ये लो पे कितनी स्पीड चलती है? मैं वही चीज़ सर, लो पे मेरी गाड़ी जो कि स्पीड आती है 15 किलोमीटर आर की स्पीड पे चलता है, 15 to 17। ओके, मीडियम पे मेरी गाड़ी 20 to 22 एंड हाई पे मेरी गाड़ी 25 to 27 किलोमीटर आर की स्पीड पे, 27 किलोमीटर में उसकी स्पीड आ जाती है। पर ई रिक्शा के लिए इतना ही काफ़ी है क्योंकि ये उतना हैवी होता नहीं है और ज़्यादा हैवी ज़्यादा फास्ट चलने का कोई फायदा नहीं है सर। नहीं है, क्योंकि मेन बात यह है सर, हायर होगी तो बैटरी आपकी ज़्यादा कंज्यूम होगी। बिल्कुल, और बेसिकली देखिए जो भी है, जो बंदा इसे अर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से ले रहा है वो ये चाहेगा कि मेरी जितनी ज़्यादा राइड्स ट्रिप्स होंगी उतना ज़्यादा वो अर्निंग कर सकते। बिल्कुल बिल्कुल,
की चीज़ है सर। तो यहाँ पे हमने देख लिया पूरा यहाँ पे सिस्टम है, और इसकी बैटरी यहीं पर है सर? नो सर, बैटरीज का भी मैं दिखाता हूँ साथ के साथ, मैं कुछ और चीज़ भी आपको दिखाना चाहता हूँ। देखिए नॉर्मल जो गाड़ियाँ होती हैं उनके अंदर आपको ये सारी डिटेल्स नहीं मिलती, लाइट्स वगैरह के लिए या वाइपर का नहीं मिलता। वाइपर का यहाँ पे दे रखा है, देखिए वहाँ पे वाइपर का मोटर का स्विच दे रखा है, और ये हैजार्ड्स लाइट्स भी है मेरी गाड़ी के अंदर। हैजार्ड लाइट, ठीक है, सारी चीज़ें आपको इसमें मिलती है, सारी चीज़ें मिल जाती है। पर इसका जो आप नॉर्मल जो ऑटो आपने देखा होगा ना उसकी तरह बिल्कुल उसका कंट्रोल है पूरा? बिल्कुल सर, कहीं कहीं से भी ऐसा नहीं लग रहा है कि कोई ई रिक्शा है, क्योंकि ई रिक्शे में इतना फैसिलिटी देते नहीं है कोई। ये नॉर्मल आपको जो बढ़िया कंट्रोल बढ़िया मिल रहा है, और जो यहाँ पे लुक है पूरा लुक वाइज ये बढ़िया आपको मिल जाता है। यहाँ पर रखने के लिए आपको स्पेस मिल रही है, और यहाँ पे ये खोलने का? नो सर, ये खुलने नहीं, नॉर्मली है। अच्छा, तो यहाँ पे आपको पॉकेट, यहाँ पे आप सामान रख सकते हैं इस एरिया में, वहाँ पे आप सामान रखने का एरिया मिल जाता है, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे ब्रेक, यहाँ पे स्पेस, सबसे एक चीज़ देखो मैं यहाँ पे स्पेस बहुत दिख रही है, मतलब अच्छी खासी स्पेस देख रहे हैं आप, स्पेस बहुत है यहाँ पे, स्पेस है इस एरिया में। अगर आपको यहाँ पे कुछ सामान रखना है अपना, कोई म्यूजक रखना है गर्मियों में पानी पीने के लिए, तो वो भी रख सकते हैं, अच्छा खासा स्पेस आपको यहाँ पे मिल जाता है। और हम अब चलिए यहाँ पे बात हो गई है, तो ये सीट सीट की बात करें तो सीट भी अच्छी खासी कंफर्टेबल है, मतलब महिंद्रा, क्योंकि महिंद्रा का तो नाम ही है, और महिंद्रा किसी भी चीज़ में क्वालिटी वाइज कॉम्प्रोमाइज़ बिल्कुल नहीं करने वाला है। तो अब पीछे चलते हैं, साथ ही साथ मैं आपको गाड़ी की जो सीटिंग पोजीशन दिखा देता हूँ, और साथ में बैटरीज का भी दिखा देता हूँ। बैटरीज जो हमारी लोकेट है वो बिल्कुल मिड में है, यहाँ पे सेंटर में लोकेट है। सेंटर में लोकेट होने का क्या मतलब होता है? कि बैलेंस रहता है, बैलेंस रहेगा सबसे बड़ी बात है, क्योंकि रियर में रहेगा, रियर में अगर कभी आप चढ़ाई वगैरह पे जा रहे हैं स्लोप्स वगैरह पे, तो गाड़ी आपकी जो है पीछे की तरफ सर सकती है। हाँ, मतलब उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये मिड में दे रखा है, मिड में दे रखा। और कितनी बार होता है कि अगर गड्ढे में होता है तो पीछे बैटरी होने की वजह से वो झटका ज्यादा खाता है, और जो इसका पानी होता है ऑब्वियसली फिर वो नुकसान करता है। तो कौन सी कंपनी की बैटरी लगी हुई है? सर हमारी जो गाड़ी आती है महिंद्रा की, इसके अंदर आपको एक्साइट की बैटरी मिलती है, एक्साइट की मिलती है, चार यूनिट इसके अंदर एक्साइट की बैटरी होती है, 120 एम्पीयर्स का 48 वोल्ट की सप्लाई के साथ रहती है। और साथ ही साथ आपको हमारी गाड़ी की जो बैटरी है इसकी एक साल की आपको वारंटी मिलती है, एक साल की वारंटी आपको साथ में। ठीक है, ये बताइए कि कितनी देर में चार्ज जाती है बैटरी? इसको चार्जिंग का जो सर टाइम जो लगता है 8 से 10 घंटे का टाइम लगता है कंप्लीट चार्ज होने में, और एक चार्जिंग में मेरी गाड़ी 80-90 किलोमीटर 80-90 किलोमीटर चल जाती है आराम से, इजीली, मतलब ये कंफर्टेबल चल जाती है। बाकी 100 तक भी एक बार कभी कभी चल जाता है, मतलब वो डिपेंड करता है कि पैसेंजर्स कितने हैं, कितना कंज्यूम कर रहा है, कितनी तरह चल रहा है। और एक चीज मेरे को यहाँ पे देखते ही सबसे अच्छी लगी, इसकी जो दोनों सीट है, चाहे वो फ्रंट सीट हो चाहे वो बैक सीट हो, दोनों ही ऑलमोस्ट इक्वल साइज की हैं। तो जनरली ई रिक्शाज में क्या होता है कि जो बिल्कुल इतनी जितनी मैंने स्पेस रखा इतनी होती है, छोटी सी होती है, तो जो आगे पैसेंजर बैठते हैं उनको बहुत दिक्कत होती है, मैंने खुद फील किया, तो मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ। और यहाँ पे अगर आप बैठने के बाद आपको चारों तरफ से क्लोज मिल जाता है, क्लोज एरिया मिल जाता है, जो आपको एक सेफ्टी पर्पज से बहुत अच्छा फील होता है। अच्छा, यहाँ पर आपको यहाँ पे क्या है आपका? आपका सर ये हमारा थोड़ा सा इसका स्टोरेज भी मिल जाता है। अच्छा, ये स्टोरेज है, ड्राइवर जो है जो गाड़ी चला रहे हैं वो अपने को सामान वगैरह वगैरह सेफ्टी वाइज रख सकते हैं। यहाँ पे स्टेपनी यही दे रखी है, स्टेपनी व्हील, स्पेयर व्हील आपका ये हो गया, कंट्रोलर यहाँ पे दे रखे। तो आपको कंट्रोलर और मोटर और कंट्रोलर दोनों आपको 1.5 kW का यहाँ पे मिल रहा है, मतलब 1500 W का आपको कंट्रोलर और कंट्रोलर मिल रहा है और मोटर मिल रहा है। मोटर एक बार आपको नीचे दिखा देते हैं, ये देखिए यहाँ पे यहाँ मोटर लगा हुआ है, 1.5 kW का मोटर है, और 1.5 kW के मोटर से आपको फ़ायदा ही है, नुकसान कहीं नहीं है, एफिशिएंसी ज़्यादा देगा, और कंज्यूम बैटरी भी उसी हिसाब से दे रखी है कि आपकी चार बैटरी दे रखी है, 80-90 किलोमीटर चल जाएगी। इसमें सबसे अच्छी बात है, मतलब अगर मैं कंपेयर ही करना हो सबसे अच्छी बात इस ई रिक्शा में ये है कि जो क्वालिटी है, जो मैं आपको एक वीडियो भी शेयर करूंगा, उसमें हमने ई रिक्शा भाइयों से बात की थी कि कौन सा ई रिक्शा सबसे बेस्ट है, तो उसने सबसे पहले जो नाम लिया था वो महिंद्रा का था, उसके सामने रेड कलर का खड़ा था, उसने महिंद्रा का इनाम लिया था कि महिंद्रा की जो क्वालिटी वाइज है वो बेस्ट क्वालिटी है एज़ कम्पेयर टू सारे ई रिक्शा, तो इस चीज़ में तो प्लस पॉइंट है। और अब ये देखिए आप, एक बार मैं खुद बैठ जाता हूँ यहाँ पे, देखिए यहाँ मैं बैठ गया हूँ, और तो बैठ गया हूँ मैं, और यहाँ पे पूरा एक होता है ना कि अनक्लोज सा लग रहा है, कोई ऐसा नहीं लग रहा है कि आप मतलब अब यहाँ पे इस बैठ के भी आपको अंदर भी अनक्लोज फील होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो अब पीछे चलते हैं, ये देखिए पीछे, एक तो इसका पूरा जो एरिया है जो वो इससे ये कैनवस से कवर्ड है। उनका फ़ायदा यहाँ पे ये है कि जो प्रोटेक्शन है वो तो मिल ही रही है, प्लस आपको जो फ़ायदा यहाँ पे ये हो रहा है
कि इसका वेट कम हो जा रहा है, काफी वेट के लिए वेट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वेट अगर इसका कम हो रहा है तो ये बैटरी कम कंज्यूम करेगा और एफिशिएंसी ज्यादा देगा, कम चार्ज में ज्यादा चलेगा। बाकी पीछे का आपको देख रहे हैं, पीछे का नॉर्मल ही नंबर प्लेट लाइट आपको दे रखी है, लाइट यहां दे रखी है और ये पूरा कॉम्बिनेशन दे रखा है, ब्रेक लाइट, इंडिकेटर्स और सारी चीजें, रिवर्स लाइट का, हां जी सारा कॉम्बिनेशन यहां पे दे रखा है, कंप्लीट कॉम्बिनेशन। और नीचे आप देख रहे हैं यहां पे कमानी पट्टी जिसे कहते हैं और सस्पेंशन सब यहां पे लगा हुआ है, बहुत बढ़िया से लगा हुआ है। और ऑलमोस्ट हमने सबकी बात कर ली, ऑलमोस्ट इसमें हमने सारी चीज़ों की बात कर ली है। और सर और कुछ रह गया इसमें हम जो नहीं बताया हमने? साथ के साथ गवर्नमेंट की तरफ से, स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से दिल्ली में आपको गाड़ी परचेज करने पे हमारी इलेक्ट्रिक 30,000 रुपीज़ की सब्सिडी, 30,000 सब्सिडी मिल रही है। ओके, इसमें भी मतलब महिंद्रा के भी इलेक्ट्रिक में भी आपको सब्सिडी मिल रही है। अच्छा, इसका प्राइस कितना रेंज पड़ता है? मैं प्राइस बताऊंगा सर, उससे मैं आपको सिर्फ इसकी गाड़ी की एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, महिंद्रा ब्रांड होने के नाते महिंद्रा हमारी, अगर आप हमारी महिंद्रा गाड़ी के ओनर बनते हैं तो महिंद्रा की तरफ से एक इंश्योरेंस होता है उदय स्कीम के अंडर, जो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, जिसकी कॉस्टिंग कुछ नहीं है, बट वो कवर्ड होता है 10 लाख रुपीज तक। ओके, मतलब 10 लाख का इंश्योरेंस 3 इयर्स के लिए कवर्ड होता है, 3 इयर्स के अंदर बेसिकली एक्सीडेंटल कवर्ड होता है। ओके, गाड़ी चलाते हुए कोई दुर्घटनावश अगर जिनको चलाते हुए उनकी डेथ हो जाती है, कुछ हो जाता है, तो 10 लाख रुपये का इंश्योरेंस मिलता है। इंश्योरेंस मतलब महिंद्रा अपने तरफ से आपको 10 लाख का इंश्योरेंस दे रहा है, वो भी फ्री में, बिल्कुल फ्री। 10 लाख का इंश्योरेंस बिल्कुल फ्री मिल रहा है 3 साल तक आपको। तो इससे अच्छी चीज़ मैं कहूँगा कि कुछ भी नहीं हो सकती, कोई आपकी सेफ्टी के ध्यान रख रहा है, अगर कोई कंपनी आपकी सेफ्टी का बिल्कुल ध्यान रख रही है, तो इससे अच्छी कोई चीज़ हो ही नहीं सकती। तो सर अब हमें बता दीजिए इसका प्राइस कितना पड़ेगा? सर देखिए, ऑन रोड गाड़ी जो हमारी प्राइसिंग पड़ती है 1,42,000 रुपीज़ की ऑन रोड पड़ती है, 1,42,000 जी, जिसमें कस्टमर अगर चाहे तो 30-35,000 के डाउन पेमेंट पे डिपॉजिट करके गाड़ी इजीली ईएमआई पे भी ले सकता है, परचेज कर सकते हैं। और ईएमआई का जो मैक्सिमम टेन्योर है हमारा 24 मंथ्स तक की ईएमआई का, 24 मंथ्स की ईएमआई का है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे आपको बिल्कुल सब्सिडी मिल रही है, प्लस आपको 1,42,000, मतलब अगर सब्सिडी को मिला ले तो 1,12,000 रुपीज़ की गाड़ी ऑन रोड पड़ती है। 1,12,000 में इससे अच्छी चीज़ है ही नहीं। आपको सस्पेंशन अच्छे मिल रहे हैं, आपको शॉकर अच्छे मिल रहे हैं, जो आपके टायर हैं वो बहुत ही बढ़िया क्वालिटी में मोटे टायर मिल रहे हैं, और आपकी हर चीज़ से सेफ्टी है, प्लस आपको इंश्योरेंस मिले, 10 लाख का इंश्योरेंस आपको फ्री में मिल रहा है। तो इतनी सारी चीज़ें आपको मिल रही हैं, तो अगर आप इस प्राइस, क्योंकि नॉर्मल ई रिक्शा भी इसी प्राइस रेंज में आते हैं, तो अगर आपको कुछ भी ई रिक्शा लेना है तो इसी को लीजिए। और इस यहां का जो शोरूम है, इसका वीडियो का नंबर यहां पर मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आपको अगर लेना है तो यहां पर आके ले सकते हैं बिल्कुल। और बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, सबसे अगले खुश, धन्यवाद।